हेलो फ्रेंड्स, आई एम राकेश कुमार, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस की, यानी कि लोकोक्तियों और मुहावरों की। पहला है ऑल इन ऑल, मतलब होता है सर्वे सर्वा। फॉर एग्जांपल वी कैन से माई फादर इज ऑल इन ऑल इन माई फैमिली, मेरे पापा ही सर्वे सर्वा है मेरे परिवार में। एट सिक्सेज एंड सेवेंस, तितर बितर, शी ऑलवेज कीप्स हर बुक्स एट सिक्सेज एंड सेवेंस, वो हमेशा अपनी किताबें तितर बितर रखती है। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। द टीचर वॉज ऑलरेडी एंग्री एंड योर रूड बिहेवियर मेड हर more angry and this was like you added fuel to fire, tumne aag mein ghee dal diya। all and sundry, everybody without any distinction, my father invited all and sundry in the marriage of my sister। at once wits end, buddhi chakra jana। when I saw a difficult क्वेश्चन, आई वॉज एट माई विट्स एंड, मेरी बुद्धि चकरा गई। एवर बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ही इज ऑलवेज एवर बोर्ड इन हिज डीलिंग्स, वो हमेशा अपनी डीलिंग में ऑनेस्ट रहता है, ईमानदार रहता है। एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, कश्मीर इज एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर जो है वह झगड़े की जड़ है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, दिस इज ऑल्सो झगड़े की जड़। सो अगेन वी कैन से कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स होते छुरे, ड्रॉन माने खिंचे हुए छुरे, मतलब दुश्मनी, घोर शत्रुता। राणा प्रताप एंड अकबर वर एट डैगर्स ड्रॉन विद ईच अदर, तलवारें खींची रहती थी हमेशा। एन एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। ही इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, वो अपनी मां की आंखों का तारा है। अगेंस्ट द रेनी डे, मुसीबत भरे दिनों के लिए। रेनी डे के लिए मतलब जब बारिश होती है तो पुराने टाइम में उन दिनों के लिए पहले से चीज़ें इकट्ठा करके रख लेते थे बुरे दिनों के लिए। तो वी शुड सेव समथिंग अगेंस्ट द रेनी डे। एट आर्म्स लेंथ, दूर, डिस्टेंस, माय फादर एडवाइज्ड मी टू कीप myself at arm's length from bad boys। मेरे पापा ने सलाह दी कि मैं बुरे लड़कों से दूरी बना के रखूं। An axe to grind, स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा स्वार्थ सिद्ध करे, एक ऐसी एक्स जो हमेशा ग्राइंड करे। We can't trust the people who have an axe to grind। At the 11th hour, अंतिम छड़ों पर, ठुके टाइम पर बिल्कुल, he reached the examination hall at the 11th hour, बिल्कुल ठुके टाइम पर पहुंचा वो। At a stone's throw, नजदीक, पास में, पत्थर मारने पर भी पहुंच जाए वो पत्थर, नजदीक ही। योर अंकल लिव्स एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, तुम्हारे अंकल बिल्कुल पास रहते हैं मेरे घर से। अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, आसान। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है, आसान नहीं है। एप्पल पाई ऑर्डर, सुव्यवस्थित, वेल ऑर्डर्ड। She always keeps her books
इन एप्पल पाई ऑर्डर बड़ा सजा के रखती है। ऑल ग्रीक एंड लैटिन वेरी डिफिकल्ट। हिज स्पीच वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन बिकॉज नोबडी कुड अंडरस्टैंड दैट। अ लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र। ही ऑलवेज टॉक्स ऑफ रबिश, सो ही बिकम्स अ लाफिंग स्टॉक इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स। एट होम इन, निपुण होना, बढ़िया होना किसी चीज में। शी इज एट होम इन इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत बढ़िया है वो। अ गुड डील ऑफ, बहुत बड़ी मात्रा में, वेरी मच। यू मस्ट फिनिश अ गुड डील ऑफ योर सिलेबस बिफोर योर फाइनल एग्जाम। ज्यादा से ज्यादा कर लेना है। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर लेकर। द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज 1947। बीट अबाउट द बच, घुमा फिराकर किसी बात को अप्पे आना। कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बस। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, एक ही तरह के लोग, सेम नेचर के लोग। दे ऑलवेज लिव टुगेदर बिकॉज दे आर बर्ड्स ऑफ अ फीदर। बाय हुक बाय क्रुक, सही तरह से या गलत तरह से। ही वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक, उसे तो सक्सेस चाहिए, सही तरीके से या गलत तरीके से। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इररेगुलरली, अनियमित रूप से। ही स्टडीज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, दैट्स वाई ही इज नॉट एबल टू गेट सक्सेस। ब्रेड एंड बटर, लेवलीहुड, जीविका। पीपल आर बिजी इन देयर ब्रेड एंड बटर, अपनी जीविका में व्यस्त हैं। ब्रीथ वंस लास्ट, अंतिम सांस लेना, टू डाई। हिज फादर ब्रीथ हिज लास्ट व्हेन ही वॉज वेरी स्मॉल। उसके पिता ने अंतिम सांस ली, उनकी मृत्यु हो गई जब वो बहुत छोटा था। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। एवरीबॉडी वॉज साइलेंट, आई स्टार्टेड स्पीकिंग, सो दिस वे आई ब्रोक द आइस। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी रैपिडली, दिन दूनी रात चौकनी। ही इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बैरी द हैचेट, शत्रुता समाप्त करना, शत्रुता भूलना। वी फॉरगॉट आवर एनिमिटी एंड वी बिकेम फ्रेंड्स, सो दिस वॉज लाइक वी बैरीड द हैचेट, हमने अपनी शत्रुता समाप्त कर दी। ब्रिंग टू बुक, पनिश करना। The naughty boy was brought to book by the principal. Principal के द्वारा उसको पनिश किया गया। Black sheep, कुल का कलंक। He is the black sheep of our family. वो हमारे परिवार का black sheep है, परिवार का कलंक है। Black and white in written. He gave his statement in black and white, लिखित में दिया उसने। Bell the cat, everybody is angry with him, but he is the authority, so who will bell the cat? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? He is the boss. Blow one's own trumpet,
अपनी अपनी हाँकना, अपनी अपनी बड़ाई करना, शेखी बगाड़ना. ही इज ऑलवेज बिजी इन ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, सो नोबडी लाइक्स हिम. कास्टल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना. ही ऑलवेज वेस्ट हिज टाइम इन मेकिंग कैस्टल्स इन द एयर, हवा में किले बनाने में वो अपना टाइम बर्बाद करता है. कैरी कोल टू न्यू कैसल, न्यू कैसल में कोल ले जाना. न्यू कैसल अमेरिका की एक जगह है जहां पर कोयला बहुत पाया जाता है, और वहीं पर कोयला ले जाना. ये तो वही बात हुआ ना, उल्टे बांस बरेली को, बरेली में बांस बहुत होते हैं, और बांस वहीं ले जाना. टू सेंड सूज टू आगरा फॉर सेल इज लाइक कैरिंग कोल टू न्यू कैसल. आगरा में सूज बेचना, वहां भेजना बेचने के लिए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बरेली में बांस भेजने जैसा. चिकन हार्टेड कायर, ही इज वेरी चिकन हार्टेड, सो ही कांट डू एनी एडवेंचरस थिंग. वो कुछ भी एडवेंचरस नहीं कर सकता. चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल. टू बी एन आईएएस ऑफिसर, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. आईएएस ऑफिसर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है. कॉल अ स्पेड स्पेड, साफ साफ बोलना. ब्रेव पीपल ऑलवेज कॉल अ स्पेड स्पेड, दे हैव नो फियर. साफ साफ बोलते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता. क्राई अबाउट स्पिल्ट मिल्क, व्यर्थ में पछताना. अब पछताए कहा होते जब चिड़िया चुग गई खेत. ही डिडंट स्टडी वेल, नाउ ही फेल्ड इन द एग्जाम, सो व्हाट्स द यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क. क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, दिखावटी आंसू, फॉल्स टीयर्स. ही हैज नो सिंपैथी विद यू, ही इज जस्ट शोइंग क्रोकोडाइल टीयर्स. कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना. पुलिस कॉट हिम कैच हैंडेड, पुलिस कॉट हिम रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ लिया पुलिस ने. कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, सुअर के आगे मोती फेंकना. यू ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, बट दिस इज लाइक यू आर कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन. डाई इन हार्नेस, कर्तव्य का पालन करते हुए मरना. मैनी सोल्जर्स डाई इन हार्नेस ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पर कई सैनिक मरते हैं कर्तव्य का पालन करते हुए जान देते हैं. ड्रॉप इन द ओशन, ऊंट के मुंह में जीरा. 10,000 rupees फॉर अ कार, दिस इज लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन. डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम. Nobody expected that he would get such a big success. Actually, he was a dark horse. Chupa Rustam nikla. Dutch courage, nashe mein josh dikhana, nashe mein dam dikhana. Many people show Dutch courage after drinking wine. And in smoke, means प्लान फेल हो जाना. ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक बिकॉज ही डिडंट फॉलो एनी एडवाइस. फ्रॉम हैंड टू माउथ, बड़ी कठिनाई से गुजारा करना. ही इज गेटिंग पेंशन ओनली, सो ही इज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ. फॉल फ्लैट, कोई प्रभाव ना होना, कोई असर ना होना. आई एडवाइज्ड हिम बट माय एडवाइस फेल फ्लैट, ही हैड नो इंपैक्ट ऑफ इट. फेयर एंड स्क्वायर,
ईमानदार, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज ऑलवेज फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग, फीदर इन वंस कैप, चार चांद लगना किसी की सफलता में, ही वॉज ऑलरेडी वेरी इंटेलिजेंट बट नाउ ही टॉप्ड द क्लास, सो दिस इज लाइक फीदर इन हिज कैप. फूल्स पैराडाइज, मूर्ख का स्वर्ग. He does nothing but always talks big. So he lives in fool's paradise. Feel one's pulse. किसी के मन की बात जान लेना. I am his friend and I feel his pulse. मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं. Fight shy off, बचना, avoid करना. I always fight shy off telling lies, झूठ बोलने से मैं बचता हूं. Fear weather friends, सुख के साथी. Opportunist, he is not your real friend, he is a fear weather friend. Fish in troubled waters, किसी की परेशानी का फायदा लेना. Many times, many people take benefit of your difficulty. So this is like fish in the troubled waters. Grease the palm, रिश्वत देना. In offices, until you give some money, until you grease the palm, your work is not done. Go to the docks to be ruined. If you are not disciplined, you will go to the docks. Barbaad ho jaoge. Hard nut to crack, kathin kaarya. To climb upon Mount Everest is really a hard nut to crack for you. Hue and cry, Shor Sharaba. In Parliament, they raised a hue and cry on the bill. Herculean task means difficult task. बहुत ज्यादा कठिन काम. सो टू क्लाइम अपॉन माउंट एवरेस्ट इज रियली अ हर्क्यूलियन टास्क. हैव एन एक्स टू ग्रिंड, ग्रिंड. द पर्सन हु हैज सेल्फिश मोटोज, ही इज नॉट माई रियल फ्रेंड. Because he always has an axe to grind. In quest of means in search of. Hunters walk around the forest in quest of wild animals. In a fix, dubidha mein, in a dilemma condition. He doesn't know what to do, what not to do. So he is in a fix. In vogue, fashion mein. This custom is not in vogue nowadays. In the nick of time, matlab theek time par. We reached the station in the nick of the time. Because the train was on the platform. Ins and outs.
मीन्स फुल डिटेल. आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ योर प्लान. मुझे तुम्हारे प्लान का सारा पता है, पूरा डिटेल. इन द प्राइम ऑफ लाइफ मीन्स जवानी में, ही डाइड इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ इन एन एक्सीडेंट इन फुल स्विंग, पूरे जोरों पर. एज एग्जाम्स आर कमिंग, माई स्टडी इज फुल इन फुल स्विंग. इन लियो ऑफ के स्थान पर ही वॉज सिलेक्टेड मॉनिटर इन प्लेस ऑफ सोहन. इन लियो ऑफ सोहन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मीन्स हर फलमौल आदमी, जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता है, पूरी तरह कुछ नहीं जानता. ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन. वो हर चीज थोड़ी थोड़ी जानता है लेकिन किसी भी चीज का मास्टर नहीं है. किथ एंड किन, रिलेटिव्स. ऑल किथ एंड किन अटेंडेड माई मैरिज. सभी रिश्तेदारों ने मेरी शादी अटेंड करी. कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, भुखमरी को दूर रखना. दे अर्न मनी ऑन पर डे बेसिस. सो नाउ डेज दे आर इन ग्रेट डिफिकल्टी एंड दे आर ट्राइंग, दे आर कीपिंग द वोल्फ फ्रॉम द डोर. की बॉडी एंड सोल टुगेदर, किसी तरह जीवित रखना खुद को. अ लेबर कीप्स बॉडी एंड सोल टुगेदर व्हेन ही वर्क्स हार्ड डेली. कीप टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार. आई हैड टू गो टू आगरा टू सी माई फ्रेंड and I went to see the Taj also. So it was like I killed two birds with one stone. Keep an eye, nazar rakhna, to watch. Please keep an eye on this child. Is bachche pe nazar rakho. Leave in the lurch, beech mein chhod dena. We should not leave our friends in the lurch. लॉइंस शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा. द एल्डेस्ट सन गॉट द लॉइंस शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर ना छोड़ना. माई ब्रदर लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेट सक्सेस. लाफ इन वंस स्लीप, मुंह छुपाकर हंसना. एक्चुअली बॉस सेड समथिंग डिफरेंट, सो एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग इन वंस स्लीप. लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना बनाना. ही इज ऑलवेज लेट इन द क्लास एंड ही ऑलवेज मेक्स लेम एक्सक्यूजेस. Imagine speech means first speech. On Independence Day, I tried to speak something on the stage and it was my maiden speech. Make both ends meet means gujara karna. Nowadays, things are very costly and everybody is making both ends meet. हर कोई बस गुजारा कर रहा है. Man of letters, very literate person, very scholar person. Dr. Rajendra Prasad was a man of letters. Make a mountain of a molehill, राय का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना.
नथिंग बिग हैपेंड बट द लेडी मेड अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। उस महिला ने बात को बतंगड़ बना दिया। नाइन डेज वंडर, हिंदी में कहते हैं चार दिन की चांदनी, इंग्लिश में कहते हैं नाइन डेज वंडर। ही वॉन लॉटरी एंड ही इज एंजॉइंग लाइफ बट दिस इज जस्ट नाइन डेज वंडर। नैरो एस्केप, आई गॉट एन एक्सीडेंट बट आई वॉज सेफ, इट वॉज अ नैरो एस्केप, बाल बाल बचा मैं। निपिंदा भट्ट, आरंभ में ही खत्म करना किसी चीज को, वी शुड एंड ऑल द बैड हैबिट्स। इट विल बी लाइक निपिंग इन द बर्ड। ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य, ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य है। आउट ऑफ क्वेश्चन, अनथिंकेबल, ही डजंट परफॉर्म हिज ड्यूटी वेल, सो द केस ऑफ हिज प्रमोशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। पिक होल्स इन मीन्स कमी निकालना, दोष निकालना। मैनी पीपल डोंट सी देयर मिस्टेक्स बट दे पिक होल्स इन अदर पीपल, दूसरों में खोट निकालते हैं। पार्ट एंड पार्सल, आवश्यक, इंडिया हमेशा से कहता है कश्मीर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। प्रोस एंड कॉन्स, दोनों पहलू, अच्छा बुरा दोनों पहलू। एवरीथिंग हैज इट्स प्रोस एंड कॉन्स, हर चीज के अपने कुछ फायदे अपने कुछ नुकसान होते हैं। पॉकेट एंड इंसल्ट, अपमान बर्दाश्त करना। एवरीबडी इज नॉट लाइक मी, पीपल आर नॉट एबल टू पॉकेट एंड इंसल्ट, बर्दाश्त नहीं कर पाते अपमान। रेड लेटर डे, स्वर्णिम दिवस, द 15th August 1947 इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रोलिंग स्टोन, बेपेंदी का लोटा। समटाइम्स ही टॉक्स दिस, समटाइम्स ही टॉक्स दैट, ही इज लाइक अ रोलिंग स्टोन, बेपेंदी का लोटा। रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग। वेन वी रीड पोयम वी ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, हमें छुपा हुआ अर्थ समझने की कोशिश करना चाहिए। स्प्लिट हेयर्स, बाल की खाल निकालना। मैनी पीपल लाइक स्प्लिटिंग हेयर्स, उन्हें बाल की खाल निकालना बड़ा पसंद होता है। स्नैक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, छुपा दुश्मन, हिडन एनिमी। सम पीपल आर विद यू बट दे आर नॉट ट्रू टू यू, सो दे आर लाइक स्नैक इन द ग्रास, आस्तीन के सांप होते हैं। टूथ एंड डेल मीन्स पूरी गति से, पूरी ताकत से। ही फॉट टूथ एंड नेल अगेंस्ट हिज एनिमी, वो अपने दुश्मन के प्रति पूरी ताकत झोंक के लड़ा। टू एंड फ्रो, इधर उधर देखना। द पुलिसमैन वॉज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन द स्ट्रीट, गली में पुलिस वाला इधर उधर देख रहा था, वॉच कर रहा था। टिट फॉर टेट, जैसो को तैसा। मैनी पीपल बिलीव इन टिट फॉर टेट बट आई डोंट बिलीव इन टिट फॉर टेट, मैं विश्वास नहीं करता टिट फॉर टेट पर। अप्स एंड डाउन्स, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जीवन तो उतार चढ़ाव से भरा होता है।
यूटोपियन स्कीम मीन्स हवाई किले, सपनों की बात बिल्कुल। योर प्लान ऑफ गेटिंग लॉट ऑफ मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग इज लाइक अ यूटोपियन स्कीम, वाइल्ड गोस चेस, निष्फल कार्य। I was searching my friend in the school, but he was not in the school. So it was like a wild goose chase. मैं व्यर्थ में ही प्रयास कर रहा था। White elephant. For a poor person, a costly car is like a white elephant. सफेद हाथी जैसी है। With open arms. खुले दिल से आई वेलकम्ड हिम विद ओपन आर्म्स, मैंने खुले दिल से खुली बाहों से उसका स्वागत किया। विद लॉरेल्स, सम्मान पाना। वेन एवर ही गोज ही विंस लॉरेल्स, वो सम्मान पाता है। वील एंड वो, सुख और दुख। Only good books are our real friends in weal and woe. अच्छी किताबें ही हमारी दोस्त होती हैं, सुख में भी और दुख में भी। Humans service, मतलब excellent service, बहुत बढ़िया काम। India is doing immense service in this sector. India इस सेक्टर में अच्छा कर रही है।